यस, वेलकम टू सैनिक इंस्टीट्यूट वंस अगेन। आप सभी के लिए सेकेंड ट्रिक है जो कंपाउंड इंटरेस्ट की है। पहली ट्रिक इससे पहले मैंने दी थी और आप सभी लोगों का धन्यवाद लाइक और शेयर करने के लिए। अभी जो है हम सेकेंड ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन आता है उसे हम एक ट्रिक के थ्रू समझेंगे और ईजिली अपने आंसर को निकालेंगे। जैसे इससे पहले मैंने डिफरेंस वाला बताया था आपको, डिफरेंस बिटवीन द आपका SI एंड CI, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये ट्रिक। तो इसके अंदर जैसे क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन हम लोग पहले पढ़ लेते हैं और यहाँ पे मेंशन है 2-1 और 3-3-1। 2-1 से क्या लेना देना है ये चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ। 2-1 जो है दैट इज 2 और 1 जो है 2 साल और 3 साल का, इसका मतलब क्या है, 2 ईयर। ये जो फॉर्मूला है दिस इज फॉर द 2 ईयर, है ना। और ये जो है ये 3 ईयर के लिए है। अब कोई कहेगा सर 2 1/2 आ गया हाफ, तो फिर तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। और 3 ईयर आ गया तब भी लगेगा। कोई बच्चा कहेगा कि हाँ सर क्वार्टरली अगर है या हाफ ईयरली है तब कैसे लगेगा, तब भी ये फॉर्मूला लगेगा और तब भी ये फॉर्मूला लगेगा। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में और हमें अटेंड करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन के अंदर दिया है प्रिंसिपल, है ना। सिंपली आपको किसी भी टॉपिक के अंदर प्रिंसिपल तो दिया ही रहेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर क्वेश्चन है तो। प्रिंसिपल जो है दैट इज 6000, प्रिंसिपल कितना है 6000 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है दैट इज 5% एंड टाइम जो है यहाँ पे सिंपल आपको 2 साल दिया गया है। तो 2 साल के लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी, 2 एंड 1। अगर यही टाइम ड्यूरेशन जो है अपना 3 ईयर का होता तो 3 ईयर के लिए 3-3-1 ट्रिक होती है ना, 3-3-1। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल कैसे करना है इस चीज को हम देखते हैं। जैसे आपको 6000 दिया है ना, एंड इसे को और मन में अगर हमें सॉल्व करना है, मन में ही सॉल्व करके आंसर बता देना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, तो उसके लिए परसेंटेज चैप्टर आपको आना चाहिए। परसेंटेज की भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स है जिसको मैं इसके बाद में डिलीवर करूंगा। नाउ नेक्स्ट, जैसे 5% है तो एक नॉर्मल मेथड में बता देता हूँ सो दैट आपको दिक्कत ना हो। 6000 का सबसे पहले 5% निकालिए। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं सिंपल करता, 6 × 30 और मेरा आंसर आ जाता 3000 सीधा। 6 × 30 और 3300 आता, 5% कितना हुआ 300, है ना। इस 300 को सीधा यहाँ इम्प्लीमेंट करना और इट विल बी 600। अब ये जो पहली लाइन है ये आपको दे रही है सिंपल इंटरेस्ट, क्या दे रही है सिंपल इंटरेस्ट, बट क्वेश्चन क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो इसलिए जो 300 आया है इसका फिर से आप 5% निकालिए, क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो होता है ब्याज पर ब्याज होता है, मीन्स इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, यही डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना 5% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5%, नॉर्मली एक आदमी कितना निकालेगा 15, और इस 15 को हमें यहाँ पे लगा देना है 15 × 15। तो सिंपली जो 615 है दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। वो भारी भरकम सा फॉर्मूला आपको लगाने की जरूरत नहीं है, पहले अमाउंट निकालो फिर डिफरेंस करो फिर आंसर लाओ, है ना। तो पहली बात तो अमाउंट का फॉर्मूला ही आपको याद करना पड़ेगा, उसको लिखना पड़ेगा। जितने टाइम में आप याद करेंगे उतने देर में आप आंसर निकाल देंगे। तो आई होप ये ट्रिक आप सबके समझ में आई होगी और बेस्ट टू बेस्ट ट्रिक है। सपोज यही क्वेश्चन होता और इसके अंदर ये टाइम ड्यूरेशन 2 की जगह पे 3 होता, 3 साल के लिए चाहिए, तो 3 साल के लिए क्या ट्रिक मैंने बताई, 3-3-1, है ना। तो अब उसी प्रोसेस को हमें 3 बार करना है। कैसे 3 बार करना है उस चीज को देखिए। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया था 6000 का 5% आया था 300, तो 300 को आप यहाँ पे लगाएंगे और 300 × 3 = 900 हो गया। बट ये याद रखिए ये पहली लाइन आपको सिंपल इंटरेस्ट देती है, सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस भी अगर निकालना हो तो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी सा है। यहाँ पे 300 का फिर से 5% सेकेंड लाइन के लिए, है ना। 300 का 5% कितना होगा, 15 होगा। तो यहाँ पे 15 × 3 आप कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 45। अब ये 15 आया, इसका 5% अगेन, क्यों, आपके पास में फॉर्मूला क्या है 3-3-1 लास्ट वाले के लिए। 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए इस तरीके से, 15 × 5 = 75/100, दैट मींस 0.75 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0.75 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल में जाएंगे और ये आ जाएगा 0.75, दैट मींस 0। तो कितना आ जाएगा, 945.75। दिस इज योर कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 3 ईयर।
ध्यान रहेगा। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। ट्रिक से मतलब है कि आपका क्वेश्चन जो है इजी होना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन को अगर नॉर्मल कैंडिडेट होगा तो कैसे सॉल्व करेगा, आप खुद सोचिए। नॉर्मल कैंडिडेट लिखेगा पहले अमाउंट इक्वल टू पी वन प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन, और प्रिंसिपल फिर लिखेगा 6000 और 1 प्लस आर अपॉन 100, आर आपका कितना है 5% है, ओके 5%, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 3। अब वो क्या करेगा 6000, इतनी देर में तो मुझे लगता है आपका आंसर ही आ गया, 105/100। बहुत होशियार लड़का होगा तो क्या करेगा 105 अपॉन 100, और आप इसको देखिए मल्टीप्लाई करके कितना लंबा रिजल्ट आएगा। पहली बात तो 105 ये मल्टीप्लाई करते ही रहे जब आप, तो इससे मच बेटर है, इजी तरीका है, आप जस्ट फॉलो करें 331। आई थिंक आपका हाफ पेज जो पूरा पेज आपको मिला हुआ है, अगर नॉर्मल कॉपी है तो हाफ पेज आपका फिट हो जाएगा। बट इस मेथड में आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट सिंपल क्या 10% सपोज कर लीजिए, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट होता और 3 ईयर के लिए कैलकुलेट करना होता, तो फिर तो सबसे पहले 3 ईयर के लिए है तो हमें पता है ट्रिक क्या है 331। अब आप दिमाग से अपने सोचिए कि 6000 का 10% कितना होगा 600, सिंपल सा, तो मैं 600 डायरेक्ट यहाँ लिख लेता, ए कितना आ जाएगा 1800, ओके। अब अगेन हमें क्या करना है, 6000 का 10% आया था 600, 600 का 10% 60 होगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया 60, 180 हो गया। अब 60 का 10% तो 6 ही होगा ना, तो मैंने यहाँ पे 6 लिख लिया, तो ये कितना हो जाएगा 1986, दैट्स द फाइनल आंसर। देखिए कितनी इजी सी ट्रिक है, मतलब विद इन 3 लाइंस आपको आंसर मिल गया कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर भी। अगर आपसे पूछे कोई डिफरेंस बताइए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आ जाएगा 1800, कितना आ जाएगा 186। आप यहां से भी निकाल सकते हैं, आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तब भी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो डायरेक्ट आ जाएगा। ये ट्रिक होती है, इतनी आसान ट्रिक है जिसको आप इंप्लीमेंट करके अपने आंसर्स ला सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, उसे हम लोग एक बार ट्राई करके देखें सो दैट अपनी एक बार प्रैक्टिस भी हो जाए, ओके। तो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आपके सामने है, तो सेम क्वेश्चन है। नाउ प्रिंसिपल जो है दैट इज 11%, है ना, देखते हैं इसमें लगती है नहीं लगती है ट्रिक। तो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए भी है, अगर आप कर सकते हैं सॉल्व तो इसका आंसर जरूर बताएं फटाफट कमेंट के अंदर, ओके। एंड ट्रिक अच्छी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो यहाँ पे 2 ईयर है ना, तो 2 ईयर का फॉर्मूला क्या होता है 2 और 1, सिंपल सभी बच्चे को याद होना चाहिए कि 2 ईयर का फॉर्मूला क्या है 2 और 1। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ 2 और 1, ओके। अब 2 1, अब 11% निकालना है तो 1100 1100 हो जाएगा, 10,000 है 1100। इसको आप यहाँ पे रखिए 11 00 11 2 20 200, ये हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट आ गया डायरेक्ट। अब इसी इंटरेस्ट पे हमें क्या चाहिए कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 00 121 डायरेक्ट हम यहाँ पे लिखेंगे 121, और ये हमारा आंसर आ गया 2321, दैट्स द फाइनल आंसर एंड इट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आपसे पूछा गया कि भैया सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का डिफरेंस बताइए, तो डिफरेंस तो सीधा दिख रहा है ना 121। आई होप आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी ना, दिस इज द सेकेंड ट्रिक, और इससे पहले मैंने डिफरेंस की ट्रिक दी हुई है, यदि आप देखना चाहें तो उसको भी आप पीछे जाके देख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट वहाँ क्लियरली दिया है डिफरेंस बेस्ड ट्रिक। इसके बाद में ये सेकेंड ही क्वेश्चन है। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन में इसके लिए प्रैक्टिस, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ पहले, एक बार आप प्रैक्टिस करिए एंड देन आंसर अपना आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। यदि ट्रिक अच्छी है तो नेक्स्ट ट्रिक बता जो भी आपको चाहिए प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं उस पर जरूर आपके लिए एक ट्रिक नई लेकर आऊंगा। तो यहाँ पे प्रिंसिपल जो है दैट इज 31250, ओके। प्रिंसिपल कितना है 3125, अच्छा, और 2.5 ईयर या 1.5 ईयर इसके लिए मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन उससे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 31250 है, दिस इज योर प्रिंसिपल, है ना, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर है ना मैम 3 ईयर के लिए,
थ्री ईयर के लिए हमारी ट्रिक क्या है, 3-3-1 ओके। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप नॉर्मल करते हैं तो कितना समय लगता है आपका। पहली बात तो कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, इसमें कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी यदि आपको परसेंटेज आता है तो। यहाँ पे देखते हैं 3-1-2-5-0 इंटू 8 अपॉन में कितना 100, 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 2-5-10, 2-4-8, 5-1-5-6-2-5-5, ओके 6-2-12, 1-6-24, 1-25, 2520 रुपये आपको यहाँ रखना है और 2520 से आपका हो जाएगा फाइनल 60 और 25 75, 7560 रुपीज़। ये क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट। अब आपको क्या चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 8% है, 8 से दोबारा यहाँ पे 100 आ जाएगा, 0 से 0, 2-4-8, 2-5-10, एंड इसमें अब आपका डेसिमल में चला जाएगा, तो जरा डेसिमल के लिए आप कोशिश करिए और आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। इजी है, कोई हार्ड नहीं है, बस इतना ध्यान रखना जो आंसर आया करे उसका ही हमेशा आपको करना है, ओके। सो उम्मीद है आप कर लेंगे, बट एक क्वेश्चन इसी के पीछे अगर हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन के अंदर अगर वो आपसे बोले कि भैया हमें तो हाफ ईयरली चाहिए, क्या चाहिए, पर एनम नहीं, इट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, इफ कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो हाफ ईयरली में ये इस टाइम ड्यूरेशन को 1/1/2 कर दीजिए, तो इतने ड्यूरेशन में आपके हाफ ईयर कितने बनेंगे, 6 मंथ के 3, कितना ड्यूरेशन बनेगा 3, और 3 के लिए फिर से फॉर्मूला क्या है, 3-3-1, ओके। तो अब आप कर लेंगे, इसके बाद में यदि यही क्वेश्चन होता 10,000 11% एंड 2.5 ईयर के लिए, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2+1/2, पहले 2 साल के लिए आपको क्या निकालना, सीआई, और 2 साल सीआई निकालने के लिए आपके पास में फॉर्मूला है 2 एंड 1, सही है, और हाफ ईयर जो बचा हुआ है उसके लिए आपको निकालना होता है एसआई। अब एसआई निकालते समय ये ध्यान रखना है आपका प्रिंसिपल जो बनेगा दैट विल बी प्रिंसिपल प्लस अमाउंट, बस इतना याद रखना है। इस सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए आपका प्रिंसिपल प्लस अमाउंट जो पहले आया है वो मिला के दोनों चीजें आएंगी, इसका ठीक है अलग से मैं वीडियो बना दूंगा सो दैट आपको डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। थैंक्स फॉर टुडे एंड आज के लिए आप सभी का धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, और इसी के लिए हमारी थर्ड ट्रिक होगी जिसके अंदर हम रेशियो के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। रेशियो मतलब कि अगर प्रिंसिपल और अमाउंट का डिफरेंस या प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा या टाइम ड्यूरेशन क्या होगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सम ऑफ मनी डबल इन 10 ईयर या ट्रिपल इन 8 ईयर, तो उसको हम कैसे करेंगे, इसको हम देखेंगे अगली ट्रिक में। सो आज के लिए थैंक यू, आप सभी का धन्यवाद, कीप शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल, थैंक यू।